सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मेरी छुट्टी है फिर से, क्योंकि मंडे गांधीनगर बंद रहता है। ज़्यादातर मेरी शूट गांधीनगर में रहती है, सदर बाजार वगैरह कम, मार्केट में मेरी कम रहती है, क्योंकि कपड़े की मैं ज़्यादातर वीडियोस शूट करता हूँ। तो आज मंडे है, तो आज गांधीनगर वैसे ही बंद है। तो आज घर पर बहुत सारे काम है, जैसे सबसे पहले मेरे को बिजली का बिल भर के आना है, तो वो भर के आऊँगा पहले, क्योंकि अब आप बोलोगे कि ऑनलाइन क्यों नहीं भरते, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ऑनलाइन जब भी हम भरते हैं तो नेक्स्ट टाइम हमारा जुड़ के आ जाता है, और फिर वो ठीक करवाने में फिर से एक घंटा लाइन में लगता है, और वो मैसेज दिखाओ वो दिखाओ, बहुत बार हमारा ऐसे ही होता है। इसलिए हमारे घर के पास में ही है बिजली ऑफिस, तो हम सीधा डायरेक्ट भर जाते हैं। तो उससे फिर क्या होता है, हमारे पास प्रूफ रहता है रसीद, और वो ऑटोमेटिकली चढ़ के भी नहीं आता, तो ये रीज़न हो जाता है। तो चलिए अब पहले नीचे चलते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं। फाइनली हम चलते हैं अभी पापा की दुकान पर, पहले पापा से पैसे लेंगे बिल के, और फिर आगे जाएंगे बिल भरने। तो बाइक चालू करते हैं और निकलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ पहले हिसार रोड, हिसार रोड से आगे हम जाएंगे भिवानी सैंड, भिवानी चुंगी। तो आज फिर से रोहतक सिटी एक्सप्लोर करेंगे पूरी। देख सकते हैं आप, एकदम सुबह सुबह पूरा रश है मार्केट में और रोड पे, लेकिन मैं अपनी खुली स्पीड से चल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूँ। और पहले फिलहाल मैं अपने पापा की दुकान पे जा रहा हूँ पैसे लेने, फिर वहाँ से लेंगे पैसे और फिर उधर भिवानी स्टैंड की तरफ जाएंगे बिल भरने। तो गाइस ये आ गया फ्लाईओवर, तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमेशा ना पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन वो देखती कुछ नहीं है, रोकती कुछ नहीं है, बस आगे इधर कोई इधर मोड़ लेता है, कोई उधर मोड़ लेता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम भी लगता है। ये देखो कोई बिना सिग्नल के कोई किधर मोड़ रहा है, कोई किधर मोड़ रहा है, और वो सामने वाले भाई साहब पुलिस वाले ऐसे ही खड़े हैं मज़े में। देखो आप यहाँ पर, ये देखो ऐसे ही खड़े हैं भाई, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। चलो हम अपने आगे निकलते हैं हिसार बाईपास की तरफ, और ये हिसार बाईपास वाला फ्लाईओवर है, अब जैसे ही आगे जाएंगे। और अपनी स्पीड देखो गाइस, 40, 35, 30, 42 नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, क्योंकि खाली रोड है एकदम। और अब ये चलो थोड़ी स्लो कर लेते हैं, आगे ब्रेकर आ रहा है भाई, ये तो छोटा सा ब्रेकर था, मुझे लगा बड़े ब्रेकर होगा, लेकिन चलो फिर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कितनी स्पीड तक हम आगे लेके जा पाते हैं, क्योंकि आगे फ्लाईओवर एकदम खाली मिलने वाला है, क्योंकि रोड देख सकते हो एकदम पानी की तरह, मक्खन की तरह स्मूथ है। ये देखिए गाइस क्या मस्त रोड है भाई। और फाइनली हम स्पीड थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करते हुए 40, 42, 45 हो चुकी है। सो गाइस ये है साइड में बांगड़ थिएटर, जहाँ पर पहले अच्छी खासी मूवीज़ लगती थी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगता। ठीक है देखो अभी भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है अभी भी। ठीक है अच्छा खासा बन गया था पहले, और फिर एकदम ये देखो 50 की स्पीड पे पहुंच गया अपनी, 50-52 की स्पीड पे, क्योंकि रोड एकदम खाली है। बाकी एक्टिवा भी देख सकते हो हमसे आगे निकल रही है गाइस, तो मैं तो फिर भी नॉर्मल स्पीड में चला रहा हूँ, और आगे एक्टिवा की अब मेरे को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से आगे मुड़ना है, यहीं पर है मेरे पापा की दुकान, और आगे मुड़ेंगे और पापा की दुकान पर जाएंगे। और ये देखे ये है साइड में, यहाँ से मुझे लेफ़्ट टर्न करना है, और लेफ़्ट टर्न मुड़ेंगे इस वाले में नहीं, अगले मोड़ पे मैं मुड़ूंगा, बाकी इस गली से भी रास्ता आ ही जाता है। ठीक है और इसमें जो एक क्रेन खड़ी है, ट्रक खड़ा है, इसके आगे जो गली है इसमें मुझे मोड़ना, ये वाला कट है इसमें मुझे मोड़ना है। सो गाइस फाइनली मैं अपनी पापा की दुकान की गली में एंटर हो चुका। तो जो सामने वाली दुकान देख रहे हो, जहाँ पर शटर बंद है, जो गेट बंद है, वो वाली दुकान में मुझे एंटर नहीं करना है, उसके जस्ट बगल वाली दुकान है, ये देखो जो सामने दिख रहा है ना आपको शटर और ये गेट बंद है, इसमें नहीं, इसके जस्ट बगल वाली दुकान है, ये आइटन खड़ी है, इसमें मुझे यहाँ पर आना है। तो ये सामने है हमारी दुकान, और वो मेरे पापा सामने बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। बाकी मैं यहीं पर कैमरा बंद कर देता हूँ, क्योंकि आज गाड़ियाँ भी नहीं खड़ी कुछ भी, तो चलो गाड़ी बंद करते हैं और यहाँ से वापस जल्दी पैसे लेते हैं और निकलते हैं बिल के लिए।
सो गाइस फाइनली मैंने पैसे ले लिए और मैं वापस मोड़ रहा हूँ, पापा से मैंने ले लिए बिल के पैसे और अब मैं मोड़ रहा हूँ वापस। अब चलेंगे भिवानी स्टैंड और मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ, अब मैं सीधा पहुँच चुका हूँ फिर से उसी फ्लाई ओवर पर। और यहाँ पर आप देखो अब मेरे को राइट टर्न लेना है, लेकिन ये भाई साहब पुलिस वाले ऐसे ही बैठे हैं अभी तक। और ये देखो कोई इधर मोड़ रहा है कोई उधर मोड़ रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम भी लगता है और एक्सीडेंट भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होते हैं। बाकी मैं जल्दी जल्दी फ्लाई ओवर से नीचे लेता हूँ और अपना बिल भरते हैं। आई होप आज बंद ना हो, क्योंकि क्या होता कई बार सुबह सुबह लेट खुलता 9 बजे 9:30 बजे, लेकिन अभी तो 8:30 बजे मैं 8:30 बजे सुबह सुबह पहुंच गया हूँ। क्या पता बंद हो, क्योंकि 9 बजे मेरे को आइडिया है जहाँ तक मुझे है कि भाई 9 बजे ऑफिस खुलता है, लेकिन मैं आ चुका हूँ एकदम जल्दी आधा घंटा पहले ही, तो शायद बंद भी हो। तो देखते हैं क्या सीन रहता है गाइज। और बाकी मुझे यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है और यहाँ से मैं मुड़ चुका हूँ और ये रहा यहीं पे ऑफिस। तो देखते हैं भाई साहब शायद बंद है, हाँ बंद है गाइज। ये देखो साइड में गेट बंद है, ये देखे बंद है, जो ये छोटे वाला गेट है ना ये वाला बंद है। चलो कोई नहीं गाइज, आधा घंटा वेट करने के बाद मैंने बिल भर दिया है और अब मैं वापस निकलता हूँ घर की तरफ। तो फ्लाई ओवर पर सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको, बार बार क्या दिखाऊँ आपको। ये देखो फ्लाई ओवर पर वापस चढ़ गए हम, ठीक है। और अब जाएंगे यहाँ पर, देखो गाइज एक चीज़ में दिखा दूँ, यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा जाम क्यों लगता है, यहाँ पर इसी वजह से लगता है क्योंकि पुलिस वाले ना यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं गाइज, खड़े रहते हैं। अब ये देखो कितनी ऑटो स्टैंड्स यहाँ पर सारी गांव के लिए निकलती हैं और यहाँ पर ये पुलिस वाले ऐसे ही खड़े रहते हैं। बाकी ये देखो जाम यहाँ पर हमेशा बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ से हम साइड से लेंगे, अब देखो बीच में वो पुलिस वाला खड़ा और वो पुलिस वाला भी देखो, अब वो देखो आधी गाड़ी बीच में ऐसी मुड़ रही है, लेकिन वो पुलिस वाला भाई साहब कभी इधर रात दे रहा है, उसको कुछ समझ नहीं है भाई, वो नया नया सिकथर्ड है भाई, सिकथर्ड को लगा देते हैं यहाँ पर। बाकी हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है और ये देखे गाइस अब ये जो ट्रेलर ना ये आगे तक दुखी करेगा, क्योंकि एक रोज और पीछे से हॉर्न क्यों मार रहा भाई गाड़ी वाला, बेफालतू में हॉर्न मारे जा रहा है। और ये देखो भाई चार लफंडरों को बिल्कुल रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं भाई, बिल्कुल रोड के बीचों बीच चल रहे हैं भाई। चलो कोई नहीं, अब मैं गली के बिल्कुल बाहर आ गया हूँ और जैसे ही गली में एंटर होता हूँ गाइस अपने घर वाली फीलिंग होती है। और देखो गाइस आराम से आया मैं कोई नहीं चल के। ओ भाई ये कौन बैठा है, ओ एकदम, ओ भाई नंगा ना रहा भाई, नंगा ना रहा है, ओ भाई फिल्म रिकॉर्ड होगी, एकदम रिकॉर्ड होगी, देख लो भाई देख ले। ओ भाग्या ओ भाग्या ओ भाग्या ओ भाग्या ओ भाग्या ओ भाग्या ओ भाग गया भाई। चलो कोई नहीं चलते हैं वापस घर की ओर, तो भाग गया है वो, तो अब हम वापस घर की ओर चलते हैं। तो फाइनली गाइस मेरा घर भी आ चुका है, इसी गली में से लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे पहले फिर हम लेफ्ट लेंगे। और ये घोड़े और गाय देखो आज खड़े हैं, अब हम लेफ्ट ले लेंगे, तो अब लेफ्ट लेंगे। अरे बच्चे भाई कहाँ से, चलो ठीक है अट गया, अब हम लेफ्ट सीधा जाएंगे बिल्कुल सीधा। और फाइनली मेरा घर आ ही चुका है, बाकी ब्रेकर हमारी गली में बना के एकदम गलत कर दिया गाइस, इतने बड़े बड़े ब्रेकर बना दिए ना आप समझ नहीं सकते। सो गाइस पहुँच गए हैं अपने घर पे और फाइनली आज हमने बिल भर दिया है। तो आज इससे ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं बना पाया कोई गाइस, तो ये देखें ये है अपना घर, एसी लगा हुआ, गेट खोल के सीधा हम अंदर जाएंगे। चलो खड़ी सो बाय।